मंदिर सब बंद हो जाएंगे, सारे जितने भी धार्मिक कार्य हैं वो रुक जाएंगे। कहीं कहीं ऐसी परिस्थिति आएगी जो तूफान आदि का भी प्रावधान है और कहीं कहीं भूकंप आने की भी संभावना है। जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको बहुत सावधानी बरतना पड़ेगा और किसी प्रकार का कोई कार्य जो होता है वो नहीं करना चाहिए। सायंकाल 4:04 पर यह वेद माने सूतक लग जाएगा, उसके बाद मंदिर सब बंद हो जाएंगे, सारे जितने भी धार्मिक कार्य हैं वो रुक जाएंगे और 1:00 के रात में 4 पर स्पर्श हो जाएगा, ग्रहण लग जाएगा। इसके बाद में 1:44 पर ग्रहण का मोक्ष हो जाएगा, इसके बाद मुक्ति हो जाएगी। रात में ही ये सब कार्य होना है और इसका प्रभाव जो है कुछ राशियों पर अनुकूल है, कुछ राशियों पर प्रतिकूल है। इसलिए वायुमंडल में कहीं कहीं ऐसी परिस्थिति आएगी जो तूफान आदि का भी प्रावधान है और कहीं कहीं भूकंप आने की भी संभावना है। इसलिए आज का जो ये चंद्र ग्रहण है, खंड चंद्र ग्रहण, वो इसी प्रकार की फल देने वाला है, इसी प्रकार का वो हानिकारक भी है। नाराजी सूतक वगैरह कब से लग जाएगा बताएं तो। 4:00 सूतक का क्या समय है मंदिर का? लगेगा 4:04 पर। तो मंदिर कपाट वगैरह बंद हो जाते हैं? हाँ, उसी के बाद सब मंदिर बंद हो जाएंगे। महाराजी क्या महिलाओं पे क्या फर्क पड़ता है? महिलाओं के ऊपर बहुत सावधानी रहना पड़ेगा, विशेषकर जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको बहुत सावधानी बरतना पड़ेगा और किसी प्रकार का कोई कार्य जो होता है वो नहीं करना चाहिए उनको, विशेषकर सब्जी का जो काटना है उसको भी नहीं करना चाहिए, नहीं तो गर्भवती महिला होती उनके बच्चों के ऊपर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है।